स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आम आदमी गलती करे तो चलान, लेकिन आप लोग करो तो कुछ नहीं। आज कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं तीसरी बार एक ही इशू को लेकर लाइव हुआ हूं। मुझे लगता है अब ऑडियो आ गया। अब सवाल यह है जनाब कि आम आदमी गलती करता है, उसके पास सीट बेल्ट नहीं है, हेलमेट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी है, उसके लिए कानून एक नियम तय है। आपको सरकार को पैसे देने हैं, रेवेन्यू जनरेट होगा, बात समझ आती है, गलती ना करो। लेकिन हमारी समझ यहाँ आकर काम करना बंद कर देती है। रात को 7 बजे के बाद सभी ट्रैफिक लाइट्स सो जाती हैं। मैं अपने ऑफिस से निकला, गांधीनगर हॉस्पिटल के बाहर जो लाइट है वहाँ पर येलो लाइट है। 3 लाइट्स होती हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। रेड कहती है रुक जाओ, ग्रीन कहती है जाओ, येलो कहती है दाएं देखो बाएं देखो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, देख सुन के फिर निकलो। 7 बजे के बाद गांधीनगर के बाहर वो कहता है येलो, रेड और ग्रीन वो है वो सो गए हैं। उसके आगे आकर एक और ट्रैफिक लाइट है, चौराहा आता है आगे, वहां भी जनाब येलो ही ऑन है। उसके बाद पनामा चौक के आगे वहां ट्रैफिक का इतना मैस है, इस वक्त इतना ट्रैफिक जाम है जो यहां से पूरे चौक से गाड़ी घूमनी है, हर जगह मैस है ट्रैफिक का, लेकिन वो लाइट भी ग्रीन कहती है अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और जाओ। 7 बजे के बाद, शायद उससे पहले भी ऐसा होता मुझे पता नहीं, मैं 7 बजे के बाद इस तरह चेक किया। उसके बाद अब मैं आ गया हूं बिल्कुल BSNL ऑफिस के बिल्कुल साथ, RBI बैंक के साथ। ये लाइट क्या कहती है जनाब, इसको गौर से देखो, ये भी येलो लाइट ही जाग रही है, बाकी दोनों लाइटें सो गई हैं। ये कहती है, एरो दिखा रही है कि आपको यहां से, मैं कैमरा आपको दिखा रहा है, राइट साइड मुड़ जाओ। हालांकि ये चौक है, यहां हर जगह से गाड़ी आ रही है, सामने से भी आ रही है, दाएं से भी आ रही है, बाएं से भी आ रही है। ये टोटली मिसगाइड कर रही है। कोई बड़ा एक्सीडेंट, अगर कोई आदमी आएगा जल्दबाजी, उसको लगेगा मेरा एरो है जनाब, ये मुझे राइट का इशारा दे रही है, वो निकल जाएगा। आपको कितने का चलान होना चाहिए, आप लोगों को कितने का चलान करना चाहिए, ये कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। बाकी जो गांधीनगर की बात करो, गांधीनगर हॉस्पिटल के सामने जो ट्रैफिक लाइट है वो सिर्फ येलो जल रही है। 7 बजे के बाद तो मैस होता है, लोग अपने ऑफिस से घर आते हैं, सबसे ज्यादा मैस 7 और 9 के बीच होता है, बात समझ आती है। 10 बजे के बाद, 10:30 के बाद, 11 बजे के बाद येलो लाइट ऑन हो जाती है, वो बात समझ आती है कि वो अब थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल हो गया 10 बजे के बाद। 7 बजे के बाद अभी आप ट्रैफिक देखो, यहां से मैं निकल के आया हूं, मुझे 5 मिनट वेट करना पड़ा पनामा चौक से पीछे जो सीधा रोड बाबूलाल की तरफ आता है, इतना मैस है, लेकिन आपकी लाइट येलो है। वो कहती है अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, वो दिन में भी लोग तो दिमाग का इस्तेमाल कर सकते, लाइट की जरूरत क्या है अगर रात को 7 बजे के बाद ये बंद हो जाएंगी। मुझे आगे विक्रम चौक का पता नहीं, मैं वहां गया नहीं, लेकिन इस बेल्ट जो बड़ी बिजी बेल्ट है यहां मैं आया हूं। और सबसे बड़ा ब्लंडर ये है, जो भी गाड़ी वहां से आएगी वो बिना देखे सुने राइट घूम जाएगी, येलो लाइट जल रही है उसके बिल्कुल सामने, ये एरो दिया ग्रीन का, घूम जाओ जनाब, कोई परवाह नहीं है। हालांकि ये चौराहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चल रहा है। आपको कितने का जुर्माना होना चाहिए, कौन लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं? आपने नए नियम बनाए हैं ट्रैफिक के, नए कानून बनाए हैं, आगे वाला भी सीट बेल्ट पहनेगा, पीछे वाला पता नहीं क्या क्या आपने और इसमें और ज्यादा ऐड कर दिया है। आम आदमी के लिए, आपके लिए क्या, वो सुविधा भी तो दो। अगर आपके किसी में दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा, जो मेन रोड्स हैं वहां गड्ढे पड़े हुए हैं, वो जो आदमी उस पर चल रहा है वो आपको रोड टैक्स दे रहा है, आपको चलान भी दे रहा है, हर टैक्स आपको दे रहा है अपनी गाड़ी सड़क पे लाने से पहले। ये वादा किया है आपने कि हम आपको अच्छी सड़कें देंगे, उसी की एवज में आप टैक्स लेते हो, रोड टैक्स। बस स्टैंड जो ओल्ड बस स्टैंड है, न्यू बस स्टैंड जो आप एशिया से आते हो, सड़क के बीचों बीच गड्ढा है, कोई भी गाड़ी आएगी उसका एक्सल टूट जाएगा, सस्पेंशन खत्म हो जाएगी, या स्कूटी पे होगा वो गिर जाएगा, बिल्कुल भी सेंटर के बीच में। उस इलाके के उस सड़क पे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी चलान करना चाहिए, वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, या जो रोड बनाते हैं सड़क बनाते हैं उनकी है, उनको भी चलान करना चाहिए। चलान सिर्फ आम आदमी के लिए है, वो गलती करेगा तो चलान, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही। आप जब कुछ मांगते हो
कुछ लेते हो आम आदमी से, उसका मतलब ये होता है कि इसके एवज में तुम्हें मैं ये दे रहा हूँ। आप ये दे रहे हो, अभी 9:15 हुए हैं, मैं 7:30 का यहाँ खड़ा हूँ, 7:30 का। 2 बार तो मेरी ऑडियो नहीं आई, उससे पहले भी मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था सभी जगह पे, गांधीनगर में, गांधीनगर से आगे जहाँ नेक्सा का शोरूम है यहाँ ट्रैफिक की लाइट्स है वहाँ पे, पनामा चौक में, उसके बाद यहाँ पे, सब येलो है 7 बजे के बाद। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, देखो सुनो और जाओ। और ये जनाब कहते हैं बेझिझक बिना कुछ देखे सुने राइट घूम जाओ, हो जाओ राइट। वहां से भी गाड़ियां आ रही हैं, इधर से भी गाड़ियां जा रही हैं, इधर से भी गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन ये साहब पिछले 1-1.5 घंटे से कह रहे हैं घूम जाओ राइट। ये मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है। अगर आप इच्छे से इसको बंद कर दो वो अच्छा है, ये लोगों को मिसगाइड कर रहा है, धोखा दे रहा है। कितना चलान आपको, कितना चलान होना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।